भी बहुत जबरदस्त आए हैं। हमारे साथ दीनानाथ दुबाशी जुड़ रहे हैं मैनेजमेंट टेलेंटी फाइनेंस होल्डिंग्स के फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स पर बात करने के लिए। दीनानाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी रिटेल ब्रुक इस क्वार्टर बहुत मजबूती से ग्रो करती हुई नजर आई, ये मोमेंटम आपको जारी रहता हुआ नजर आता है आगे आने वाले कुछ महीनों और क्वार्टर्स में भी, क्योंकि एक तरफ तो बॉटम ऑफ द पिरामिड बॉरोमर्स को आप एक तरह से अकाउंट करते हैं जो कि गांव में छोटे शहरों में, लेकिन वहां पे उन पे इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया। आपको लगता है चीजें सुधरेंगी यहाँ से? अच्छा सवाल है आपका। देखिए उसमें जो फर्स्ट जो है वो 80% रिटेल का टारगेट था, जो हम 82% पे पहुंच गए ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट टारगेट इज 90%, जो कोई सरप्राइज नहीं है। 3 महीने पहले ही मैं बोल दिया था कि 2024 में हम 90% रिटेलाइजेशन अचीव करेंगे और हम उस पर काफी बरकरार है। अब बाकी के 3 टारगेट देखिए कि ग्रोथ जो हमने 25% का टारगेट था, हम लास्ट ईयर भी 35% से ग्रो हुए, अभी भी 34% से हुए। दूसरा जो क्रेडिट क्वालिटी है, जो हमारा टारगेट था ग्रॉस स्टेज 3 3% और नेट स्टेज 3 1%, वो ग्रॉस स्टेज 3 हम 3.2 तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं और नेट स्टेज 3.7 तक पहुंच गए हैं। और लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारा 3% का टारगेट था, हम ऑलरेडी 3.08% पहुंच गए। तो वैसे देखे जाए तो रेशियो से जो हम ऑलरेडी द टारगेट ऑफ लक्ष्य पहुंच गए हैं, लेकिन अभी क्या करना है कि इसी रेशियो से, इसी असेट क्वालिटी से, इसी प्रॉफिटेबिलिटी से ये ग्रोथ सस्टेनेबल रखना है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आज जो 65,000 रिटेल बुक हो गया है, वो हर साल कम से कम 25% बट प्रेफरेबली 30% and more से ग्रो कर पाएंगे या नहीं। तो मतलब हर साल आप 65,000 पे 30% भी पकड़ो तो करीब करीब 18,000 to 20,000 crore होता है। This kind of growth, we are now confident. ठीक है दीनानाथ जी, आपने 2026 के लिए अपने हिसाब से जो टारगेट्स आपने तय किए थे आपने ज्यादातर अचीव कर लिए हैं, तो हम ये चाहेंगे और बाकी आपके निवेशक भी यही चाहेंगे कि आप इन टारगेट्स को थोड़ा रिवाइज करें। क्या गाइडेंस आप यहां से और बढ़ाएंगे? अच्छा सवाल है आपका। देखिए उसमें जो फर्स्ट जो है वो 80% रिटेल का टारगेट था, जो हम 82% पे पहुंच गए ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट टारगेट इज 90%, जो कोई सरप्राइज नहीं है। 3 महीने पहले ही मैं बोल दिया था कि 2024 में हम 90% रिटेलाइजेशन अचीव करेंगे और हम उस पर काफी बरकरार है। अब बाकी के 3 टारगेट देखिए कि ग्रोथ, जो हमने 25% का टारगेट था, हम लास्ट ईयर भी 35% से ग्रो हुए, अभी भी 34% से हुए। दूसरा जो क्रेडिट क्वालिटी है, जो हमारा टारगेट था ग्रॉस स्टेज 3 3% और नेट स्टेज 3 1%, वो ग्रॉस स्टेज 3 हम 3.2 तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं और नेट स्टेज 3.7 तक पहुंच गए हैं। और लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारा 3% का टारगेट था, हम ऑलरेडी 3.08% पहुंच गए। तो वैसे देखे जाए तो रेशियो से जो हम ऑलरेडी द टारगेट ऑफ लक्ष्य पहुंच गए हैं, लेकिन अभी क्या करना है कि इसी रेशियो से, इसी असेट क्वालिटी से, इसी प्रॉफिटेबिलिटी से ये ग्रोथ सस्टेनेबल रखना है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आज जो 65,000 रिटेल बुक हो गया है, वो हर साल कम से कम 25% बट प्रेफरेबली 30% and more से ग्रो कर पाएंगे या नहीं। तो मतलब हर साल आप 65,000 पे 30% भी पकड़ो तो करीब करीब 18,000 to 20,000 crore होता है। This kind of growth, we are now confident of getting at a 3% plus ROA and a 0.7% net stage 3. और ये है लक्ष्य 26 की चावी, ताले की चावी, कि ये हमें अभी ये रेशियोज मिल गए हैं और इसी इसी टेम्पलेट पे अब हम कंटिन्यू रहेंगे गोइंग अहेड। छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स चेंज होती रहेगी, कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कभी कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, बट हाईलाइट ये। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्लियर थॉट आपने दिए। ये थे दीनानाथ दुभाषी जो कि MD & CEO हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग के।